मनोहर पर्रिकर जी का हम सब के बीच में न रहना न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी निष्कलंक जीवन रहा, राष्ट्रभक्ति हमेशा सर्वोपरि रही, सादगी के गुण को उन्होंने आजीवन संभाल कर रखा, संजो कर रखा। बार बार वो कहते थे, पता नहीं क्यों हमारा गोवा और गोवा वासियों के साथ एक अद्भुत लगाव है। मैं यहाँ पर अच्छी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, बखूबी मैं काम कर रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बराबर गोवा में ही लगा रहता है, ये बराबर वो चर्चा करते थे। ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। गोवा ऐसे छोटे प्रदेश में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि सभी उनकी बात मानते थे। जब केंद्र में आया रक्षा मंत्री के रूप में तो बड़ा काम किया, बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके। इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से अंतिम दिन तक काम करते रहे। मनोहर पर्रिकर जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक निस्पृह, निस्वार्थी, डाउन टू अर्थ, बहुत ही सादगीपूर्ण आचरण व्यवहार करने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हमारे बीच में से चला गया है। मनोहर पर्रिकर ने अपने जीवन पूरी तरह से गोवा भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया था, और उन्हीं के कार्य और कर्तृत्व के कारण गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। His contribution to national security under leadership of Prime Minister Narendra Modi, his spectacular work as the Chief Minister of the state, and it will be very difficult for any one of us to forget him ever, but also the void that he has created, his death has created, will be very difficult to fill in. बहुत सज्जन और भले इंसान थे वो, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार के ऊपर ये बड़ा भारी वज्रपात है, और उनका निधन जो है वो गोवा की राजनीति जो है उसमें एक बड़ा शून्य पैदा करेगा, इसलिए ये दुखद है। उनकी इस अचानक मौत से सभी को दुख हुआ है, और मेरी पूर्ण सहानुभूति उनके पूरे परिवार के साथ। वो एक अच्छे व्यक्ति थे, और अपनी एक छाप गोवा में रखे थे, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि एक अच्छा पॉलिटिशियन को हमने खोया है, इसलिए मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूँ, और अतिपूर्वक श्रद्धांजलि उनको मेरे ओर से, मेरे पार्टी के ओर से अर्पित करता हूँ।